नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी की कोर्ट में पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह ने लोकसभा मुजफ्फरनगर से कराया नामांकन दर्ज। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई होगी किसी और से, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और मेरे साथ सर्व समाज है, मैं प्रथम नंबर पर रहूंगा। बहन जी ने आशीर्वाद दिया है तो सर्वधर्म के लोग मेरे साथ है और सभी लोग मुझे वोट करेंगे। बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने आगे कहा कि बहन मायावती देश में मजबूत नेता है और उनको आयरन लेडी के नाम से सब जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनसे मजबूत नेता देश में कोई और नहीं है और सब समाज के लोग उनके साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर के न होने पर सवाल का जवाब दिया कि वह मुजफ्फरनगर के सरदना के रहने वाले हैं और उनका पूरा कारोबार सरदना क्षेत्र में ही फैला हुआ है। योगी की इससे लड़ाई मेरे साथ तो जनता है, वो मेरे साथ है और जो भी उनका किससे मुकाबला बोलो, मैं तो किससे नहीं, मैं तो पहले नंबर पे हूँ, मेरे साथ सर्व समाज है। आज वोट बैंक है, किसी भी जाति का वोट नहीं बचा हुआ जो दारा बहन जी को नहीं मिलेगा। बहन जी ने आशीर्वाद दिया तो पूर्णतः सर्व समाज एकजुट हो चुका है, उसमें कोई भी जाति धर्म नहीं बचा है जो बहन जी को वोट नहीं देगा और सफल नहीं बनाएगा। बहन जी इतनी मजबूत नेता है, आज की तारीख में गठबंधन की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्व समाज साथ है, उसे गठबंधन की क्या जरूरत। कोई एक जाति बताओ जो साथ ना हो बहन जी के, फिर गठबंधन की क्या जरूरत है बताइए। मजबूत है, पहले नंबर की पार्टी है, शेरनी है हिंदुस्तान की, आयरन लेडी है। दो चुनाव में हालत तो ठीक नहीं है बसपा की, जब से चुनाव का वक्त बदलता रहता है जी। वक्त किसका था कब, आज यहाँ अति पिछड़े दलित मुस्लिम और सर्व समाज का वक्त है, वो सर्व समाज बदल देगा। आप मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं, किस तरह विश्वास यहाँ मुजफ्फरनगर वासियों को? मैं मेरठ नहीं, मैं मुजफ्फरनगर की सीट सरदाना पे, मेरा अपना सारा बिजनेस यहाँ पे है, मैं वहीं पे मेरा सब कुछ बना हुआ है। मेरठ में तो कोई भी रहता है मगर मेरा यहाँ पे सरदाना में और मटोर में मेरा अपना काम है, जो मेरा काम बिल्डिंग कॉलोनी का वो यहीं दोनों जगह है, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ। सरदाना विधानसभा मुजफ्फरनगर में लगती है। यात्रा निकाली आप, ये सरकार किसी की भी आवाज़ नहीं निकलने देगी और हमारे जैसे जो बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, जो आज तक बोले नहीं हो, वो अगर सड़क पर आ जाए तो लाठी डंडे तो खाने ही पड़ेंगे और जब तक हम लाठी डंडे नहीं खाएंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। चार जो वो कितनी भी पार करें, हमारे यहाँ सर्व समाज का साथ है, हम इसे पार करेंगे। ठीक।